Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine today. In this video, we are going to discuss the first practical from the Unit Digital Documentation Advanced of Class 10 IT 402. So first practical students हम करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के बारे में एंड हाउ वी कैन क्रिएट न्यू सेल फ्रॉम सेलेक्शन. तो चलते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर पे और इसको परफॉर्म करते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइल है दैट इज आर वर्ड फाइल, ठीक है. तो यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है प्रैक्टिकल वन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स एंड क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन. तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं हमारे, उनके नाम देखने वाले हैं. उनकी एक्सप्लेनेशन को अपनी एनसीईआरटी की बुक में से हम कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, उनके स्क्रीन शॉट्स इसमें अटैच करने. तो स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसीजर को चेकआउट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी की पीडीएफ है. अब इसमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, ठीक है. तो हमारे पास ओपन ऑफिस में मेनली फाइव टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं जो आप प्रैक्टिकल्स में भी देखते हो. आपने यहाँ से फाइव स्टाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है. टिल नंबरिंग स्टाइल्स, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एंड नंबरिंग स्टाइल. यहाँ से आपने इसे कॉपी किया कंट्रोल सी शॉर्टकट की से और राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो और वर्ड में जाके आपने इसे क्या कर देना है, पेस्ट, ठीक है. अब आप इसको सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर फॉन्ट और एक फॉन्ट साइज दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 12 और फॉन्ट यहाँ पे हम दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है. एक बेसिक सा फॉन्ट आपको देना है एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एंटर प्रेस कर देंगे हम. जब आप इसके प्रिंटआउट्स लेते हैं तो वो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप इसमें टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट करते हैं उसका साइज जो है वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो प्रिंट करने में, ना ही ज़्यादा छोटा, इतना हो कि रीडेबल भी हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना लगे, ठीक है. राइट, अब आप इसे सेलेक्ट करके कोई भी बुलेट पॉइंट अगर देना चाहें तो नॉर्मल सा दे सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं अच्छा सा करने के लिए, ठीक है. अच्छा, सेकेंड चीज इसमें आपने क्या करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर लेंगे अच्छे से. और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो स्टाइल्स के नाम है उसे बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखे. अब ये 12 साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग द न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन. इससे पहले ये जो स्टाइल्स हमारे पास आए ये कहाँ पे होते हैं हमारे ओपन ऑफिस में, उसका हम वहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर देते हैं जस्ट जो हमने टाइप्स ऑफ स्टाइल्स लिखे इसके नीचे. तो इसके लिए हम यहाँ चलते हैं अपने ओपन ऑफिस पे. हमने यहाँ से ओपन किया ओपन ऑफिस, ठीक है. ये ओपन करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और ओपन ऑफिस राइटर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. अब इसके अंदर हमने पहले से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखी हुई है जिसे हम ओपन कर लेते हैं यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल O और मेरी फाइल का नाम है न्यू स्टाइल. तो आप ये पहले से भी क्रिएट करके रख सकते हैं कि आप जिस टाइम प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है. अब स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में हमारे पास सारे स्टाइल्स आते हैं तो वो कौन से मेन्यू से आते हैं या शॉर्टकट की से आते हैं. फॉर्मेट मेन्यू में हमारे पास होता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग. तो ये जो इतना पार्ट है ये हमें एज अ स्क्रीनशॉट चाहिए. अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास तीन मेथड है. एक आप यूज कर सकते हैं विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो. दूसरा है आपके लैपटॉप पे या फिर आपके डेस्कटॉप पे ये एक की होती है प्रिंट स्क्रीन, जिससे आपकी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाता है, ये आप ले सकते हो. या फिर हमारे पास एक स्निपिंग टूल होता है हमारे डेस्कटॉप पे या फिर हमारे लैपटॉप्स पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो. स्निपिंग टूल यहाँ से हम ओपन करते हैं सर्च बॉक्स में जाके, जैसे ही आप लिखोगे स्निपिंग टूल ये इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है. अब इसमें से जितना पार्ट आप लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट जितने पार्ट का लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होता है और यहाँ से आप उतने पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए, ठीक है. न्यू पे आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस भी लिखा हुआ है. तो ये इस तरह से आपका स्टार्ट हो गया और सपोज मुझे इतना पार्ट चाहिए तो ये आपका इस तरह से कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे, कॉपी हो जाता है और फिर वर्ड में जाके आप इसे क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप कर्सर को प्लेस करेंगे वहाँ पे कंट्रोल बी कर दो, वो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है. अब हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए
ये फॉर्मेट मेन्यू में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, ठीक है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। सो आई विल प्रेस विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट, इतना हमने लिया। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमने फाइल बनाई है, इतने पार्ट का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड पे आपका कॉपी हो गया, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। तो अब हम ओपन ऑफिस राइटर में गए, ओपन ऑफिस राइटर में नहीं, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करके या तो इसे पेस्ट कर दिया या फिर इसे हमने नॉर्मली पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर आ गई, थोड़ा सा जैसे ये बड़ी आ रही है तो आप इसे थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, और अगर ये ज्यादा साइज में बड़ी लग रही है तो थोड़ा सा आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गई, इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर दीजिए, जैसे कि आपका टेक्स्ट है तो उसके सेंटर में ये अरेंज हो जाए। ये आपका कर्सर यहाँ पे है, लेफ्ट एरो की को प्रेस किया, यहाँ से ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये जो स्क्रीनशॉट आया ये एज ए इमेज आया, तो ऊपर आप देख रहे हो पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं पिक्चर को थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए, उसके लुक को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। तो आप बेसिक साइज में कोई भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो है वो फॉर्मेट मेन्यू में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाके आप ओपन कर सकते हैं या फिर F11 शॉर्टकट की से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, अब हमें क्या चाहिए, जो हमारी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो आती है वो चाहिए। तो इसके लिए हम कहाँ गए, वापस से ओपन ऑफिस में गए, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ध्यान रखिए तीन चीज़ें हैं, या तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की, या फिर प्रिंट स्क्रीन की जो आपकी की होती है कीबोर्ड पे वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपका स्निपिंग टूल होता है, ठीक है, उसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अब फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में आप यहाँ से गए एंड ये आपके पास स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हुआ। तो इसमें आपके पास ये है पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, इस तरह से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, विंडोज शिफ्ट और एस इतना लिया और यहाँ से इतने पार्ट का हमने क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले। अब यहाँ से आप इसे क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर दिया हमने, वर्ड में जाते हैं और यहाँ पे लाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारी पिक्चर है ये वैसे तो ठीक है, बट इसके अंदर स्टाइल्स के नेम नहीं बता रखे, इसको पहले आप थोड़ा सा सेंटर में कर लो, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो आप थोड़ा अलाइनमेंट करने के लिए, और पिक्चर फॉर्मेट में जाके आप इसका कोई भी फॉर्मेट दे सकते हो यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि हमने इसको ये दे दिया, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी, उसमें एक पिक्चर गिवन है जिसमें स्टाइल्स के नाम भी गिवन है, तो या तो आप इसमें से ये वाला डायरेक्ट ले लो, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विंडोज शिफ्ट और एस पे गए और यहाँ से आपने इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हो, और अगर आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में से ले रहे हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर दोगे जो जो आपके उसमें नेम्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये ले लूँ तो यहाँ पे पूरा लेबल्ड है कि ये पैराग्राफ स्टाइल है, ये कैरेक्टर स्टाइल है, जो नेम हमने ऊपर लिखे वो सारे इसमें लेबल्ड है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जो ऊपर सामने दिखाया है, तो इसको आप थोड़ा सा फिर फॉर्मेट कर दो, जैसे कि इसमें एरो पॉइंट करके आप थोड़ा सा बता दो, शेप्स में जाके, यहाँ से इंसर्ट में जाके, शेप्स में जाके आप कोई भी शेप ले सकते हो लाइक जो एरो की होती है हमारी इस तरह से, और फिर यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स आता है वहां से लेके, और इसके अंदर आप कंटेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है, वर्ड आर्ट के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गए हमारे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को कैसे ओपन करना है, और ओपन होने के बाद वो कैसे दिख रही है विद द नेम्स ऑफ द स्टाइल्स, ठीक है। इसके नीचे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप टॉपिक लेंगे क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, इसको आप थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे, साइज को बड़ा कर देंगे और बोल्ड और इटैलिक कर देंगे, ठीक है, एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें स्टेप्स चाहिए जिससे कि हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी पीडीएफ पे वापस आते हैं, और यहाँ पे जब नीचे आप जाएंगे तो यू आर हैविंग द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, ये हेडिंग आ रही है, ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट हियर, ठीक है। इसके बाद हम वापस आएंगे अपनी पीडीएफ पे एंड नीचे और कुछ स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
कॉपी कर देंगे, दैट इज स्टेप नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो कुछ आपको दिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रेफर फिगर 1.2, तो ये आपको खुद से हटाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि किसी स्टेप में ये चीजें तो नहीं आ रही है, और ये सारा पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा है, तो आप इसे क्या कर दो, आप इसे स्टेप्स की फॉर्म में लिख दो, तो जो दिखने का उसका वे है, जो उसकी अपीयरेंस है वो अच्छी लगेगी। नाउ हियर वी आर हैविंग स्टेप नंबर 3। अगेन आप क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ये 4th स्टेप है आपका। इस डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ले सकते हैं या जो भी आपको सूटेबल हो वो ले सकते हो, और एक पर्टिकुलर आप इसमें साइज दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा रीडेबल हो। एंड सपोज हमने यहाँ पे ले लिया टाइम्स न्यू रोमन, आई वुड सजेस्ट कि आप जो इसमें साइज लोगे वो थोड़ा सा एक सिमिलर सा लें, ताकि आपको जो पूरी फाइल है उसमें डिस्क्रिपेंसी ना दिखे कि कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है, तो एक सेम साइज में रहेगा तो आपकी जो फाइल है वो कंसिस्टेंट लगेगी। ठीक है, ये हमने स्टेप्स लिखे, अब स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें स्क्रीनशॉट्स इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द स्टाइल दैट यू वांट टू क्रिएट। ठीक है, देन इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल। सबसे पहले हमें चाहिए स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऊपर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ली थी उसको हम कॉपी करके नीचे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया, आई एम डूइंग बाय यूजिंग द शॉर्टकट की, आप राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप के नीचे कर्सर को लेके जाते हैं और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होंगे। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट में उस आइटम को सेलेक्ट करना है जिसका आपको स्टाइल बनाना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने ओपन ऑफिस राइटर में जाते हैं और सपोज ये मैंने पैराग्राफ स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, तो सपोज हम कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, लाइक लर्निंग ले सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से हमने सपोज इसका कलर चेंज कर दिया, देन हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, और यहाँ से हम इसको एक पर्टिकुलर साइज दे देते हैं, साइज सपोज हमने इसको दे दिया 54, एंड फॉन्ट हम इसको कुछ चेंज करके दे देते हैं, सपोज हमने दे दिया दिस वन। ठीक है, अब हम इसमें एक न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये डॉक्यूमेंट लेनी पड़ेगी, जो भी हमने इसमें मैनुअली चेंजेस किए उसको हम एज अ स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो वी नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मच पार्ट, तो हमने क्या किया, विंडोज शिफ्ट एस। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया, अब आप वर्ड में जाओ वापस से और स्टेप 2 के नीचे आ जाइए और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, तो ये एज अ पिक्चर आपका पेस्ट हो रहा है, अब आप इसे क्या करोगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाके किसी भी तरह से आप इसे अरेंज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव डन, बट ये थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, विंडो को ले सकते हैं हम इसमें, विंडोज शिफ्ट एस, और हम थोड़ी सी अपनी विंडो को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से विंडो हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ से जाएंगे अपने वर्ड में और यहाँ पे जाके आप इसे क्या कर देंगे, पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी विंडो है, आप इसको छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और आप थोड़ी सी अगर इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहो तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपने कर लिया, अब आपको इसका बनाना है न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आएगा स्टेप 2 के बाद। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा पेज को कवर कर रहे तो। बॉर्डर अभी हमने इसमें डबल बॉर्डर लिया, आप सिंगल भी ले सकते हो, बिकॉज अदरवाइज थोड़ा सा स्पेस इसमें ज़्यादा कवर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फाइन। नाउ अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप्स, इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाना है और न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन को क्लिक कर, ये है हमारा न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। तो हमें इतने पार्ट का क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, विंडोज शिफ्ट एस ये लिया, और इतने पार्ट का हम क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया, अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी वर्ड की फाइल पे और यहाँ पे थर्ड स्टेप के नीचे कर्सर को रख के और इसे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, ये भी ऐड हो। ठीक है, साइज को बड़ा या छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि जितना बड़ा या छोटा करें आपका जो कंटेंट है, जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो विजिबल हो। ठीक है, नाउ अब आपको इसका न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन बनाना है, तो आप वापस ओपन ऑफिस पे गए, आपने यहाँ से लिया न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन,
अब आप इस टाइल का कुछ नेम देना चाहते हैं। सपोज मैंने इसका नेम दे दिया येलो, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है। देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेती हूँ, आई एम प्रेसिंग द प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट प्रिंट स्क्रीन की फ्रॉम माई कीबोर्ड, तो वॉट इट विल डू, इट विल कैप्चर द एंटायर स्क्रीन, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, पता नहीं लगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करूंगी यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी, तो मेरे पास पूरी स्क्रीन का आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ पार्ट का चाहिए, बेटर है विंडोज शिफ्ट और एस को आप यूज करो या स्किपिंग टूल को यूज कर लो, और अगर आपको पूरी विंडो का चाहिए तो उस केस में आप प्रिंट स्क्रीन को यूज कर सकते हो। अब मान लो इसमें से भी आपको कुछ पार्ट चाहिए, तो पिक्चर फॉर्मेट में जाके आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, जितना पार्ट आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें मान लीजिए इतना पार्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो ये हमने क्या कर लिया, क्रॉप कर लिया, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वॉट वी कैन डू इज सिंपली जो हमारा स्टाइल को क्रिएट करने वाला बॉक्स है उतना पार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें इसका नाम दे दिया येलो, राइट। चलिए तो इस तरह से हमारा जो स्टाइल है वो क्रिएट होगा। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और ये जो नाम है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपने पैराग्राफ स्टाइल को सिलेक्ट किया था पहले और इसमें जो आपका नाम है वो आ चुका है। अब ये नाम आ चुका है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेगा। विंडोज शिफ्ट और एस लिया हमने यहाँ से, और ये जो विंडो है इसमें आप इसको सिलेक्ट कर लो, और जो आपने न्यू स्टाइल बनाया है येलो के नाम से वो इसमें हाईलाइटेड है, तो बस आप यहाँ से जाएंगे वर्ड पे और वर्ड के नीचे आप जाके क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलर से या किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा नया स्टाइल बन चुका है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पेन है, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस येलो, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने डेटा को ले सकते हैं और इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं, हमने ये कैसे बनाई फाइल। सबसे पहले हमने हेडिंग दी प्रैक्टिकल वन, जो भी आपके प्रैक्टिकल का नाम है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स एंड क्रिएट न्यू स्टाइल फॉर सिलेक्शन। फिर इसके बाद आपने यहाँ से एनसीईआरटी के बुक में से टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड इसके बाद ये जो स्टाइल्स हैं ये कौन से मेन्यू से आए उसकी पिक्चर हमने यहाँ अरेंज कर दी। अब ये पिक्चर जैसे नेक्स्ट पेज पे पहुँच गई है, इसके लिए आपको यहाँ से अपनी अलाइनमेंट वगैरह को चेक करना पड़ेगा। इंडेंटेशन वगैरह को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि जो आपका कंटेंट है उसके नीचे ये ब्लैंक एरिया जो आ रहा है वो ना रहे और आपका जो स्क्रीनशॉट है वो प्रॉपर उसमें अटैच हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इस पेज पे आए, तो यहाँ पे आई कैन सी दैट सो मच ब्लैंक स्पेस इज देयर। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे एंड पिक्चर हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो गई, ठीक है। बाकी आप अपने पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं राइट लेफ्ट सेंटर में इस तरह से, बस उसका जो अपीयरेंस है वो सही लगना चाहिए। देन हमने कहा क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का जो स्क्रीनशॉट लिया था वो डाला, क्योंकि सबसे पहला स्टेप वही है, ओपन करना है। फिर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए जिसको आप स्टाइल न्यू स्टाइल बनाना चाहते हैं वो आप करेंगे, उसका आपने स्क्रीनशॉट लगाया। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पे गए हम और वहाँ से हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, बस ये दिखने में प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन आए, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो बेटर है आप इसे नेक्स्ट पेज पे ले लो। एंड देन आपने क्या किया, फोर्थ स्टेप लिया। फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग क्या देना है, स्टाइल का नेम देना है वो दिया, और उसके बाद वो स्टाइल आपका पर्टिकुलर स्टाइल में आ चुका है तो वो आप थोड़ा सा हाईलाइट करके इसमें दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द फर्स्ट प्रैक्टिकल, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के बारे में बताया, कहाँ से कौन से मेन्यू से ओपन होता है और कैसे विंडो ओपन होती है। फिर हमने ये बताया कि कैसे हम न्यू स्टाइल को सिलेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट्स। सो इस तरह से आपने अपने डेटा को अरेंज करना है। जो भी आप कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं उसका जो साइज और फॉन्ट होता है वो सिमिलर सा रखें ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो दिखने में प्रेजेंटेबल रहे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक, टूडेज प्रैक्टिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपको कैसे ये प्रैक्टिकल करना है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड एनी सजेशंस आर वेलकम ऑलवेज।
I'll meet you in my next video with the next practical. Till then, have a good day and thank you.